पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में विगत दिनों हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने वजूद के आधार पर 5 सीटों और लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कराई थी। मंडल में सपा ने भाजपा को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन सपा का ये वजूद निकाय चुनाव में नजर नहीं आ रहा। निकाय चुनाव में पहले तो सपा के मेयर प्रत्याशी की वजह से सपा में घमासान हो उठा और बाकी बची कसर को सपा के ही बागी नेताओं ने पूरा कर दिया। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के आधार को सपा के नेता ही दफन करने में लगे हैं। जैसे तैसे सपा ने निकाय चुनाव लड़ा, उसके बाद भी अब पार्टी पदाधिकारियों के बीच बनी खाई अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायकों से लेकर सांसद और जिलाध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित भी इसलिए किया गया जिससे कि सभी प्रत्याशियों को निकाय चुनाव में होने वाली मतगणना के बारे में जानकारी दी जा सके। बैठक में मजे की बात ये रही कि नवनियुक्त सपा के महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी तो मौजूद रहे, लेकिन सपा के ना तो कोई विधायक, ना ही सांसद नजर आए और ना ही बड़े पदाधिकारी। अब ऐसे में निकाय चुनाव की जीत का दावा करने वाले सपाई जब कार्यालय पर ही एकजुट नजर नहीं आ रहे, तो कैसे निकाय चुनाव जीतेंगे और कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, ये सवाल है। देखिए, आज की ये मीटिंग हमारे विधायक, सांसद और हमारे मेयर के प्रत्याशी, उन सब ने और हमने मिलकर जो हमारे प्रत्याशी 54 वार्डों में लड़े हैं उनको बुलाकर हमने ये मीटिंग ली है। और किस तरीके से हमारे प्रत्याशियों को, कुछ नए प्रत्याशी भी इसमें मौजूद हैं, कि उन्हें मतगणना की कोई जानकारी अच्छी तरीके से नहीं है, तो हमारे जैसे कि सीनियर अनुभवी लोग ब्रिज लाल जी हैं, कैसल अली कुद्दूती हैं, सूर्यवर्धन पासा हैं, ये हमारे राजकुमार और तमाम ही लोग इसमें बहुत सारे इतने सीनियर हैं कि इसकी जानकारी दे दें, ताकि ऐसा ना हो। पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे प्रत्याशी को 4 वोटों से हरा दिया गया, जबकि हम जब उस पर अड़े तो वही प्रत्याशी हमारा 8 वोटों से जीता। तो ऐसा ना हो कि हमारे प्रत्याशियों को कुछ दूसरी पार्टी, सातर पार्टी हैं, तो हमें अपने लोगों को ये समझाना है कि आपको बिल्कुल मुस्तैदी से डटे रहना है। इस समय यह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ना तो विधायक हैं जी, ना ही यहाँ पर सांसद हैं, क्या ना ही जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहें। जिला अध्यक्ष हमारे बिलारी में मीटिंग ले रहे हैं, वहाँ पर मीटिंग है। सांसद जी हमारे बड़ापुर में हैं, शहर में नहीं हैं। और हमारे पूर्व विधायक दिल्ली हैं, और दोनों ही विधायक दिल्ली हैं, क्योंकि हाजी नासिर कुरैशी साहब की बहन की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, वो वहाँ पर है। उन्होंने आमिर भाई को भेजा प्रतिनिधि के रूप में, और हो सकता है रास्ते में यूसुफ अंसारी जी यहाँ पर आ जाएं। प्रत्याशी जी से बात हुई होगी अभी हमारी, वो पता नहीं कहीं रुक गए, आ जाएंगे अभी। या फिर ये देखा जाए कि जिस तरीके का जो आपसी जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पा रहा कार्यकर्ताओं में भी, या उसका विरोध इस तरीके से देखने को मिला है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये इस चीज़ की दलील है, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं ना जी। जी, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जिनके द्वारा मैसेज दिया जाना था वो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, उनसे कहीं पार्षदों की मीटिंग में कैसर कुद्दूसी साहब काफ़ी अनुभवी हैं, सलीम बारती साहब इतने अनुभवी हैं, ये सुहेब पासा जी हैं, ब्रिज लाल जी हैं, इनसे हमने भी कुछ सीखा है, ये इतने अनुभवी लोग हैं, ये अब सब बता रहे हैं, हमारी बताने की तो नौबत भी नहीं आएगी, ये इतना इनको वो कर देंगे कि ये लोग बिल्कुल बाखूबी करा सकेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।